कोरिया जिले के प्रभारी मंत्री जय सिंह अग्रवाल प्रभारी बनने के बाद पहली बार जिले के दौरे पर पहुंचे। बैकुंठपुर सिविल लाइन में हेलीकॉप्टर के लैंडिंग करते ही कांग्रेस कार्यकर्ता प्रोटोकॉल तोड़कर अंदर घुस गए और प्रभारी मंत्री का माला पहनाकर स्वागत किया। कोरिया जिले में प्रभारी मंत्री के प्रथम आगमन पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह दिखा। सिविल लाइन उतरने के बाद प्रभारी मंत्री काफिले के साथ बैकुंठपुर मानस भवन के लिए रवाना हो गए। मानस भवन में कार्यकर्ता सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन चल रहा था। कार्यक्रम की शुरुआत प्रभारी मंत्री ने दीप प्रज्वलित कर दी। कार्यक्रम में कोरबा जिले की तीनों विधानसभा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, ऐसे में एक बार फिर से तैयारियों में जुट जाएं ताकि प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तरह परिणाम मिले। ये कार्यकर्ताओं की मेहनत और लगन ही थी जिसने कांग्रेस को विधानसभा में भारी बहुमत से जीत दिलाई। मेरी राय तो जो पार्टी की राय वही रहेगी और निर्णय राहुल जी को करना है, प्रदेश के हमारे वरिष्ठ नेताओं को करना है। नजीरा दर्जी ने अपने कोरिया जिला के कांग्रेसियों की भावनाओं को बताया मंच से, तो निश्चित तौर पे जो भी जिनकी भावनाएं हैं वो प्रकट कर सकते हैं और मैं जो भी निर्णय यहाँ कांग्रेस के हमारे साथियों का निर्णय होगा और जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी का होगा और अंतिम निर्णय राहुल जी का होगा उसके साथ। सर जनक, प्रभारी मंत्री ने कहा कि कोरिया जिले में काफी समस्याएं हैं, इन समस्याओं को जल्द ही हल किया जाएगा। बीजेपी ने पिछले 15 सालों में विकास का कोई काम नहीं किया जिसके कारण बीजेपी की सत्ता से छुट्टी हो गई। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जो भी वायदे किए हैं समय के साथ उनको पूरा किया जाएगा। जिले में जो कमेटियां भंग की गई हैं उनको फिर से पुनर्गठित किया जाएगा। प्रदेश में जो समस्या है तो कोरिया जिला कैसे छूटा होगा और उन समस्याओं का समाधान करना हमारा काम है। कोरिया जिले का प्रभारी मंत्री हमको बनाया गया है, कोरिया में जो भी समस्या है उसको हल करने का हम लोग प्राथमिकता से पहल करेंगे और यहाँ जो कुछ मिनरल फंड में कुछ गड़बड़ियों की शिकायत मिली थी उसके कमेटियाँ भंग कर दी गई हैं। अब उसका पुनर्गठन किया जाएगा जो मिनरल फंड की जो कमेटी थी और उसके बाद जो वास्तव में यहाँ कोरिया जिले की आवश्यकता है उसके मुताबिक उसको खर्च किया। जिस प्रकार लोगों की ओर से काफी समय से मानेगढ़ में कैंसर रिसर्च सेंटर की मांग की जा रही है, बीजेपी के शासन में कई बार सरकार से मांग की गई थी लेकिन सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। कैंसर रिसर्च सेंटर बनने के बाद कैंसर पीड़ित लोगों को काफी लाभ होगा। जो हमारी यूपीए की सरकार थी उस समय गुलाम नबी आजाद जी ने घोषणा की थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जानबूझ के उस काम को नहीं किया। उसके पहले डॉक्टर चरणदास महंत जी ने मेडिकल कॉलेज के लिए भी यहाँ घोषणा करवाई थी श्री प्रकाश जायसवाल जी से, उस समय राज्य सरकार ने जमीन नहीं दी। तो अब बहुत सी चीज़ें ऐसी मैंने बताया ना कि जो चीज़ें पेंडिंग हैं उनको हम लोग करने के लिए प्राथमिकता से पहल करें। फिलहाल नई सरकार बनने के बाद लोगों की उम्मीदें एक बार फिर से जिंदा होती दिख रही हैं। विकास के लिए जनता ने कांग्रेस को चुना है, अब देखना होगा कि विकास की बातें करने वाली कांग्रेस सरकार लोगों की उम्मीदों पर कितना खरा उतरती है। कोरबा से राजेश उपाध्याय, टोटल न्यूज़।